नमस्कार, मैं अनुराग आर्यन। आप लोग देख रहे हैं पॉम टॉय अनुराग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा एग्रेसिव डॉग कौन सा होता है, ताकि आपको डॉग सिलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना कुछ डिसाइड किए हुए ही एक डॉग ले आते हैं और बाद में उनको पछताना पड़ता है जब वो डॉग उनके फैमिली मेंबर को बाइट करने लग जाता है। ना ही किसी छोटे को समझता है और ना ही किसी बड़े को समझता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अंदर की बातें बतलाऊंगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग मेरे से बार बार पूछते रहते हैं कि ये डॉग एग्रेसिव तो नहीं है, सबसे ज़्यादा एग्रेसिव डॉग कौन सा है, मुझे लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, इसी के बारे में मैं आपको बतलाने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक था कि सबसे ज्यादा एग्रेसिव डॉग कौन सा है। दोस्तों, किसी भी डॉग का एग्रेसिव जो उसका बिहेवियर होता है, उसको मापने के लिए कोई भी यंत्र नहीं बना है। जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर नापा जाता है कि 80/120 है तो एकदम परफेक्ट है, तो इस टाइप से डॉग में कोई भी एग्रेसिव बिहेवियर मापने का कोई भी यंत्र नहीं है। इसलिए वो एग्रेसिव है या फिर नहीं है, उसके कुछ रिपोर्ट से पता लगाया जाता है। दोस्तों, रिपोर्ट किस टाइप का, वो बाइटिंग का रिपोर्ट, कि किस डॉग का सबसे ज्यादा बाइटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। दोस्तों, एक रिपोर्ट आया है 1982 से लेकर के 2014 तक का रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट यहाँ का नहीं है, वो अमेरिका के कुछ सिटीज का रिपोर्ट है। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में कोई भी रिपोर्ट जल्दी आपको मिलने वाला नहीं है, वो भी मिलेगा भी तो गलत रिपोर्ट आपको डॉग वाले में या फिर इस टाइप के सिचुएशन में आपको गलत रिपोर्ट ही मिल जाएगा। खैर, चलिए उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, जो कि 1982 से 2014 के बीच में था, उसमें सबसे ज्यादा बाइटिंग का केस पिटबुल का आया था, और उसके बाद पिटबुल मिक्स का था, फिर रॉटवाइलर का आया था, फिर जर्मन शेपर्ड का आया था। तो ये डॉग इतने ज्यादा बाइट कर रहे थे। फिर एक रिपोर्ट आया 2018 में, जो कि सबको चौंका करके रख दिया। लोग कोई भी विश्वास नहीं करते, वैसा रिपोर्ट आया, आप भी विश्वास नहीं करोगे। दोस्तों, जो 2018 में रिपोर्ट आया, काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था। उसमें सबसे पहला नंबर पर जो बाइटिंग टेंडेंसी में और बाइटिंग रिपोर्ट में आया था, वो लैब्राडोर का रिपोर्ट था, फिर उसके बाद पिटबुल का था, फिर जर्मन शेपर्ड का था, फिर रॉटवाइलर का था। आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक लैब्राडोर, जो कि कितना शांत ब्रीड का डॉग होता है, जिसके बाइटिंग टेंडेंसी इतना ज्यादा आया है, बाइटिंग केस इतना ज्यादा आया है। अब दोस्तों, मैं आपको बतलाऊंगा कि क्या इस केस के अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हो कि कोई डॉग एग्रेसिव है या फिर नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ये समझिए कि लैब्राडोर का इतना ज्यादा बाइटिंग का केस आया क्यों। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि लैब्राडोर का जो पॉपुलरिटी है वो बहुत ही ज्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में भी लैब्राडोर का केस काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। कुछ ब्रीड जैसे कि पिटबुल हैं, रॉटवाइलर हैं और जर्मन शेपर्ड हैं, इनके बाइटिंग केसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं और थोड़े से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं। लेकिन आप लोग इसे डिसाइड नहीं कर सकते हो कि वो डॉग एग्रेसिव है। मैं आपको एक अंदर की बात बतलाना चाहता हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में कितने भी ब्रीड का आप डॉग ले लो, कोई भी ब्रीड का डॉग ले लो, वो एग्रेसिव नहीं होता है। जैसा कि मैंने फील किया है, मैंने जर्मन शेपर्ड भी देखा है, रॉटवाइलर भी देखा है, पिटबुल भी देखा है, और कितने कितने डॉग मैंने देखा है, लेकिन कोई भी डॉग एग्रेसिव नहीं था। कुछ ही डॉग उसमें से एग्रेसिव थे। तो दोस्तों, ज्यादातर डॉग एकदम नॉर्मल था, एकदम शांत स्वीट टाइप का था। दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे रख रहे हो। अगर आप एक जर्मन शेपर्ड को बहुत ही प्यार से रखोगे, बहुत ही वेल ट्रेंड कर दोगे, उसको एकदम शांति से रखोगे, तो वो डॉग बहुत ही शांत रहेगा। लेकिन अगर आप उसको एकदम डिस्ट्रक्टिव वे में रखोगे, उसको एग्रेसिव बना के रखोगे, तो फिर तो वो फैमिली को बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा। उसी तरीके से पिटबुल है। पिटबुल का थोड़ा सा टेम्परामेंट हाई होता है, बट ऐसा नहीं है कि पिटबुल एग्रेसिव है। बहुत सारे पिटबुल डॉग भी शांत होते हैं, लेकिन उसको गलत तरीके से रखा जाए तो ये डॉग पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसा सकता है, साथ ही साथ आपके आसपास रहने वाले लोगों को भी फंसा सकता है प्रॉब्लम में। क्योंकि ये डॉग ऐसा है जिसको आप मारते रह जाओगे, वो छोड़ेगा नहीं, अगर एक बार वो कैच कर लिया तो। और छोटे ब्रीड में क्या होता है कि इसके पास उतना ज़्यादा दम नहीं होता, इसलिए आप इसको आसानी से छुड़ा सकते हो। इसीलिए जितने भी बड़े टाइप के डॉग हैं, उनको पहले से ही जानबूझ करके ही लोग डर का माहौल बना दिया है।
बट ऐसा नहीं है, कोई भी डॉग एग्रेसिव नहीं होता है। अगर आप अच्छे से रख सकते हो, अच्छे से ट्रेनिंग दे सकते हो, तो आप कोई भी ब्रीड का डॉग रख सकते हो। तो दोस्तों आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने किन किन डॉग का बाइटिंग टेंडेंसी देखा है और किसका केस सबसे अधिक सुना है, उसको कमेंट कर दे ताकि और भी लोगों को पता चल पाए। दोस्तों यदि आपको ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके के रेड कलर में आपको नीचे सब्सक्राइब मिल जाएगा और बाद में बेल के आइकन को भी दबा देना, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दो, 4000 लाइक्स कायम है। दोस्तों हम लोग मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। सबको बाय बोल दो, काजू सबको बाय बोल दो।